नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो कहानियाँ, प्रेरणादायक कहानियाँ जो मैं स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ, उसमें मैं आपको महारानी लक्ष्मीबाई जी के जीवन का संक्षिप्त परिचय दूंगा। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम होता कहलाती हैं। दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई केवल 24 वर्ष ही जीवित रही थीं, पर इस अवधि में उन्होंने ऐसे शौर्य पूर्वक कार्य करके दिखाए जिसकी वजह से आज हम 160-170 साल बीत जाने के बावजूद भी कई लोगों की प्रेरणादायक हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और कई लोगों को वो प्रेरणा देती आ रही हैं। अगर हम रानी लक्ष्मी जी बाई की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1835 में हुआ था और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1858 में हुई थी। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम रूपी रणनीति में प्रथम व विशिष्ट होता कही जाती है, जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसकी वो प्रथम होता कहलाती है। कहा जाता है, रहीमन साचे सूर को बैरों करे बखान, सच्चे शूरवीर का उसके शत्रु भी गुणगान करते हैं। बहुत डरते थे अंग्रेज लोग, बहुत ज्यादा डरते थे रानी लक्ष्मीबाई से। उसे 24 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। आज की तारीख में तो 24 साल की उम्र तक बच्चा पढ़ता रह जाता है। अगर हम बात करें तो अंग्रेजों को जिस तरह लक्ष्मीबाई ने नाको चने चबवाए थे, जिस तरह से वे उनसे लड़ी थी, वे भी उनकी तारीफ करने को विवश हो गए थे, अंग्रेज लोग भी। झांसी से, कालपी से, ग्वालियर से, इन तीनों ही क्षेत्रों से उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया था। उन्होंने नाना साहब से अस्त्र संचालन की शिक्षा ली थी, घुड़सवारी की शिक्षा ली थी, और उन्हीं के प्रशिक्षण की वजह से रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो वीरांगना एवं देशभक्त बनी थी। अगर उनकी अगर आगे हम बात करें तो उनका विवाह की अगर हम बात करते हैं तो पुणे की रहने वाली थी और विवाह के उपरांत वो झांसी आ गई थी रहने के लिए। 1851 जब वो 16 साल की थी में उनके एक पुत्र हुआ जिसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। उसके 2 साल के बाद 1853 में उन्होंने एक बालक को दत्तक पुत्र बना लिया था, पर अंग्रेजों को यह भी नहीं पसंद आया था। देश में विद्रोह का वातावरण बन रहा था, अंग्रेजों को भारत से भगाने की पूरी तैयारी चल रही थी, संग्राम हुआ था। यह सहयोग ही था कि कानपुर से, मेरठ से व झांसी से जो यह आग सारे देश में फैली थी। ठीक है, धार्मिक स्वभाव की विधवा रानी ने एक सेनापति की भूमिका निभाई और संघर्ष करते हुए ग्वालियर के पास शहीद हो गई। धन्य ऐसी वीरांगना है। दोस्तों, यहां मैंने आपको रानी लक्ष्मीबाई जी का छोटा सा जीवन परिचय दिया। आशा है रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको कुछ चीजें पता लगी होंगी, और इससे हमें एक चीज पता लगी कि हमें कहीं भी रहें, कुछ भी करें, देशभक्ति और देश के लिए अपना समर्पण कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और ईमानदार इंसान बनके हम देशभक्ति कर सकते हैं। हर कार्य के लिए, हर कर्तव्य के लिए, हर चीज के प्रति ईमानदार रहिए। धन्यवाद दोस्तों।